तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए। आज की वीडियो में आपको जबरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अमेजोन के रिगार्डिंग। अमेजोन में कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, क्या आपको इंटरव्यू प्रोसेस होगा, क्या आपसे सारी चीजें पूछी जाएंगी। आज पॉडकास्ट में आपको ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। सो हमारे साथ हैं विक्रम, जो कि अमेजोन में 1 ईयर से वर्क कर रहे हैं एज अ VCS, एंड वो आपके साथ आप काफी सारे ब्यूटीफुल इंसाइट आपके साथ शेयर करेंगे, जो इंसाइट्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चलते हैं पॉडकास्ट पे। So, hi Vikram, how are I'm you? good. How are you? Yeah, I am good. So first of all, thank you so much for your precious time. आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस पॉडकास्ट पे आया एंड आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे। So, first of all, thank you so much. Most welcome. Okay. So can you please brief about yourself? थोड़ा अपनी इंट्रोडक्शन आप दो। हाँ, श्योर। Okay. मेरा नाम विक्रम है, मैं एमपी से हूँ। सो बेसिकली आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, और उसके बाद फिर आई वॉज वर्किंग इन लाइक एजिस, इट वॉज ऑल्सो BPO, सो आई वॉज वर्किंग देयर। उसके बाद फिर मैंने अमेजोन में अप्लाई किया, सो इट्स बीन अ ईयर नाउ। ओके, सो अभी आप अमेजोन में एज अ VCS वर्क कर रहे हो, राइट? वर्चुअल कस्टमर केयर, समथिंग लाइक दैट। वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। सो इट ओके, वर्चुअल कस्टमर सपोर्ट। ओके, सो बेसिकली क्या क्या आपने बेसिकली आपको क्या काम करना पड़ता है, क्या आप अपना जॉब रोल को डिस्क्राइब कर सकते हो? हाँ, श्योर। जैसे कि हमारा बेसिकली काम ये रहता है, एक जैसे हम नॉर्मली अगर एग्जांपल ले, एक ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने से लेके उसको रिटर्न करने तक, इसके बीच में जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है वो हम हैंडल करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पेमेंट नहीं हो पा रहा, आइटम नहीं पहुँच रहा, आइटम खराब आया है, इस टाइप के इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना होता है। तो इट मींस लाइक जब हम लोग अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, हमें कोई इशू आता है, तो हम जब कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वही रोल आप लोग कर रहे हो, राइट? कॉल हमारे पास ही आती है। ओके, सो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कस्टमर की, कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हो। यस, एग्जैक्टली। ओके, फाइन। सो क्या ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, क्या आपको हाइब्रिड मॉडल है, आपको जाना पड़ता है? नहीं, ये कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, मैंने तो ऑफिस देखा भी नहीं है। सो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। ओके, तो आप यहाँ पे अमेजोन में 1 साल से आप काम कर रहे हो, तो मतलब अमेजोन का वर्क कल्चर कैसा है? मतलब काफी ज्यादा हैक्टिक है, काफी ज्यादा प्रेशराइजिंग है, या कूल वर्क कल्चर है, कैसा वर्क कल्चर है अमेजोन का? इसको हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। एक तो है, हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत सही है, जैसे हमारे मैनेजर्स, लीड, वो बहुत सपोर्टिव है, हर चीज में सपोर्ट करते हैं। या फिर हमारे कोलिग्स जो है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उनसे पूछ सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो, तो ये इसमें सही है, बहुत अच्छा है। बट जैसे सेल के टाइम में ऐसा रहता है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, वो तो ऑब्वियस है, रहेगा ही। तो बाकी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, वर्क कल्चर दूसरी कंपनीज से तो बहुत बेहतर है। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम में काम कर रहे हो, आपका मैनेजर कैसा है, राइट? मोस्टली जो मैनेजर्स रहते हैं ना, वो सपोर्टिव रहते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर आप, इफ यू आर इन अ गुड टीम, इफ यू आर वर्किंग विद अ गुड मैनेजर, देन इट्स कूल, अदरवाइज तो ये वर्क प्रेशर तो सब जगह रहता है, राइट? तो रहता ही, हल्का फुल्का तो रहता है। आईटी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो हल्का फुल्का तो आप एज्यूम करके चल सकते हो। हर इंडस्ट्री में क्या? ओके, सो अभी आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो, तो क्या अमेजोन आपको पूरा वर्क फ्रॉम होम का सेटअप प्रोवाइड करता है, कि आप खुद अरेंज कर रहे हो सारी की सारी चीजें? एक्चुअली जो सेटअप है वो पूरा वही भेजते हैं, बाय आपके उस लोकल एरिया में जो भी कुरियर सर्विस अवेलेबल है उससे वो भिजवा देते हैं। तो आपको अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए अपने घर पर, और बाकी पूरा सेटअप वो भेजते हैं। So means Wi-Fi allowance भी आपको कंपनी से मिलता है, right? हाँ, जो हमारा पैकेज रहता है उसके अंदर Wi-Fi allowance, इंटरनेट अलाउंस मिलता है, और उसके साथ एक मील कार्ड भी मिलता है, जो Sodexo कार्ड हम बोलते हैं। मीन्स Sodexo जो कार्ड आपको मिलता है उससे आप जो है ऑनलाइन, मतलब कोई अगर खाने पीने का आइटम है, खाने की चीजें आप उससे परचेज कर सकते हो, जितनी आप Zomato से की, राइट?
स्विगी जोमेटो कर सकते ना, आई थिंक 1000 मिलता है, 1000 पर मंथ मिलता होगा, हाँ 1100 रुपए कुछ, 1100 कुछ, और डिपेंड, ओके, और इट डिपेंड्स ऑन द रोल, मे बी इट डिपेंड्स ऑन द वर्किंग एक्सपीरियंस, मे बी फ्रेशर को कम मिलता हो, एक्सपीरियंस को और ज्यादा मिलता हो, मे बी. नहीं, जहां तक मुझे पता है, मैंने अपने सीनियर से भी बात करी है, तो सबको सेम अमाउंट मिलता है. ओके, ठीक है, तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं है, Amazon is equally distributed as to everyone, fresher हो जाए experience. खाना तो सबको एक बराबर ही खाना है. ओके, Zomato, Swiggy हो, चलो बढ़िया. तो गाइस, लाइक Amazon में आप काम करोगे तो आपको Swiggy का आपको मील कूपन मिलेगा, जिससे आप Zomato, Swiggy से ऑर्डर कर सकते हो फ्री में. ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि जब आपने अप्लाई किया था Amazon VCS में, तो आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया, लाइक आपने वेबसाइट से अप्लाई किया कि आपने हायर प्रो की वेबसाइट से अप्लाई किया, क्या प्रोसेस आपने अप्लाई किया एंड क्या आपका इंटरव्यू प्रोसेस था, थोड़ा सा ब्रीफ. हाँ श्योर. हुआ ये था कि पहले मैं जहाँ पे काम कर रहा था अपने, तो वहाँ पे मेरी मतलब उस दिन तबीयत खराब थी, तो मैंने गया नहीं था ऑफिस. सो मैंने naukri.com पे इनका देखा था पहले से ही कि मतलब ऐसे VCS रोल का है, तो मेरे एक फ्रेंड के लैपटॉप से मैंने अप्लाई कर दिया था. उसके बाद कुछ naukri.com से बेसिकली मैंने किया, वहाँ पे मेरा प्रोफाइल पहले से बना हुआ था, तो लिंक आ गया था असेसमेंट का, जो कि 48 आवर्स के अंदर फिर हमें वो असेसमेंट देना था, तो ऐसे किया था मैंने अप्लाई. मींस आपने naukri.com पे VCS का प्रोफाइल देखा, वहाँ से अप्लाई किया, आपको एक लिंक आया और आपने 48 आवर्स में Amazon का असेसमेंट टेस्ट दिया, राइट? एग्जैक्टली. तो अभी तो आपको 1 ईयर हो गया है, तो असेसमेंट टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, आई डोंट थिंक आपको रिमेम्बर होगा ईच एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक. हाँ, ब्रीफ में है, क्या है कि कुछ चीज, हाँ, क्या है कि कुछ लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने असेसमेंट जो दिया था उसमें क्या आया था, क्या था, तो उनको बताने के लिए वो चीजें याद आती रहती है. अच्छा, ठीक है, तो आप कुछ चीजें शेयर कर सकते हो, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन कैसे बेसिकली वो आपकी नॉर्मल इंग्लिश चेक करते हैं, 10th लेवल का आप कह सकते हो, 10th लेवल के इंग्लिश के क्वेश्चंस रहते हैं, और उसमें वर्सन टेस्ट होता है. बेसिकली वर्सन टेस्ट के अंदर दो चीज़ें, तीन चार चीज़ें हैं, जैसे एक तो रीडिंग आपका चेक करते हैं, लिखा आता है स्क्रीन के ऊपर, आपको सिर्फ वो पढ़ना होता है, और दूसरा है ऑडियो का एक पोर्शन रहता है, सामने वाला बोलता है, आपको वो ध्यान से सुनना होता है, आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक की जाती है, फिर आपको रिपीट करना होता है. उसके बाद फिर आपका कॉमन सेंस चेक करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन अगर हम ये बोले कि आपको फ्रूट कहाँ से मिलते हैं, वेयर डू यू गेट फ्रूट फ्रॉम, तो दूसरा एक ऑप्शन देंगे रिवर, एक ऑप्शन देंगे ट्री, तो आप बहुत ईजी है कि ट्री है, तो ये बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन से रहते हैं. और एक मेरे इसमें आया था वाटर इज तो कोल्ड रहेगा या क्या कहते हैं, जैसे कि मान लो हार्ड लिख दिया कि हार्ड तो रहेगा, आइस क्या है, आइस किसका फॉर्म है, सॉलिड है, वाटर का है, क्या है, तो उस टाइप के मतलब नॉर्मल चीजें रहती है. ओके, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि इजीली 10th पास स्टैंडर्ड भी इजीली कर सकता है. ठीक है, तो मतलब काफी ज्यादा हाइप क्रिएट है कि Amazon का असेसमेंट टेस्ट काफी ज्यादा टफ होता है, लोग क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपका ये टेस्ट कितनी बार में क्रैक हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में, कितनी बार आपने ट्राई किया? मेरा तो पहली बार में हो गया था. पहली बार में होने का एक मेन रीजन जो है वो ये है कि आपको वो लोग पहले से बताते हैं कि टेस्ट जब आप दोगे तो आपको कैमरे से हटना नहीं है, रिकॉर्ड होता है वो पूरा. उसके अलावा आपका बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ नहीं आना चाहिए, आपके रूम में कोई और होना नहीं चाहिए, जैसे किसी और की आवाज़ आ रही है या फिर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उस टेस्ट के बीच में. असेसमेंट आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पे देना होता है, तो उस बीच में अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो कुछ भी आप उससे अगर हट रहे हो, तो फिर वो आप टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते. फेल होने का मेन यही रीज़न है, लोग इसी वजह से फेल होते हैं उसमें. लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं और उनको लगता है कि वो चीजें रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, और उनको जब लास्ट में देखते हैं कि रिजल्ट क्या है, लास्ट में उनका रिजल्ट फेल हो गया. हाँ. अब उनको वो आइडिया नहीं है कि वो जब चैट जीपीटी से मोबाइल देख रहे हैं तो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, आपका फेस जो है ट्रैक हो रहा है, आप नीचे देख रहे हो, लेफ्ट राइट देख रहे हो, राइट? यस, यस, एग्जैक्टली. एक सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करना होता है, उसमें वो लोग बताते हैं कि आपका पूरा स्क्रीन, आप जो भी कर रहे हो इस पे, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, तो आप उनसे चीट नहीं कर सकते.
तो अमेजोन का एआई जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, आप लोग चीटिंग करने का अगर सोच रहे हो तो चीटिंग मत करना, आप लोग उसको अपनी मतलब 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी से देना और अपने हिसाब से देना, चीटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना ऐसे रिजेक्शन अगर आता किसी रहता को है। बेसिक इंग्लिश भी आता है ना, और अगर वो सही से बैठ के उनने जो बोला है कि बैकग्राउंड से आपका कोई ऐसा आवाज ना आए, आप कैमरे से ना उठो, तो आप क्लियर कर सकते हो, उतना टफ नहीं है। क्योंकि मैंने जो दिया था उसमें तो मैंने कोई पहले यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं देखे थे, मैंने इंस्टेंटली ही दे दिया था, जैसे लिंक आया मैंने दे दिया। फिर उसके बाद एक ईमेल राइटिंग का पोर्शन था कि आपके एक कोलीग है और उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनके बिहाफ पे आप अपने सीनियर को एक ईमेल लिखो। मुझसे वो बना ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था उसके अंदर, फिर भी क्लियर हो गया। वाओ दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट टाइम में आपका अमेज़न असेसमेंट टेस्ट क्रैक हुआ, तो गाइस इसके लिए तो एक लाइक तो बनता है। यहाँ पे लोग 10-10 बार में क्रैक नहीं कर पाते, आपने फर्स्ट टाइम में क्रैक किया तो इट मींस इट्स लाइक अ ग्रेट। तो आपने इसके लिए प्रिपरेशन कहाँ से किया, लाइक यूट्यूब से प्रिपेयर किया या गूगल से प्रिपेयर किया, या ऑलरेडी आपका प्रिपेयर था सब कुछ, इंग्लिश में कुछ नहीं प्रिपरेशन किया आपने? एक्चुअली इससे पहले मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे एक आया था प्रोसेस दूसरी ई कॉमर्स साइट के लिए, शॉपी करके बीच में आया था एक, वो शायद सिंगापुर या वियतनाम का था, वो लोग आए थे, तो उनके इसके लिए मैंने ट्राई किया था। तो उन्होंने वर्सन टेस्ट के लिए मुझे बोला था, तो वर्सन टेस्ट मैंने दिया हुआ था, तो मुझे ये बेसिक ब्रीफ आइडिया था कि कैसे क्या होता है। और YouTube पे मैंने उससे पहले वीडियो नहीं देखा असेसमेंट देने से पहले, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि YouTube पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैंने असेसमेंट दिया, उसके बाद फिर मैंने चेक किया YouTube पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं और बेहतर दे सकता था। तो वही था, मतलब मेरा पहले से इंग्लिश थोड़ा सा सही था और वर्सन टेस्ट का आइडिया था, तो उससे हो गया। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक डाउट आता है कि लोग अमेजोन असेसमेंट टेस्ट देते तो हैं, लेकिन कई लोगों का होता है कि आफ्टर 10 डेज, आफ्टर अ मंथ, उनको कोई रिजल्ट नहीं होता है, उनको ना तो रिग्रेट मिल आता है, उनको ना तो कोई रिजल्ट आता है। तो आपके केस में ये रिजल्ट कितने दिन में आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई गेस 15 to 20 days लगे थे, क्योंकि मैं देखकर भूल गया था कि मैंने अमेजोन में ऐसा कुछ दिया भी है, तो मुझे याद भी नहीं था। मैं तो अपना काम कर रहा था और उस टाइम पे मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी, जैसे कि मेरा शिफ्ट था 1 बजे से 12 बजे तक का उस टाइम पे, तो मैं ऑफिस में ही था जब मेरे को HR का कॉल आया था, तो मुझे पता नहीं चला था। उसके बाद फिर मैंने कॉल बैक किया अगले दिन, तो 15 से 20 दिन का समय लगा था असेसमेंट क्लियर करने के बाद। मींस अमेज़न असेसमेंट टेस्ट के 15 to 20 डेज के बाद आपको रिजल्ट आ गया, देन आपको एचआर से कॉल आया था, राइट? रिजल्ट मेल आया, आपको देन तभी आ एचआर से जाता कॉल है, आया। रिजल्ट आपको तभी दिखा देते वो लोग कि अब आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हो, अब आप हम आप मतलब जब भी टाइम होगा हमारा हायरिंग का आपको हम कांटेक्ट करेंगे। तो ऐसा था। नहीं, ये तो चीज जैसे वहां पे लाइक दैट, वहां पे 2 राउंड है, तो फर्स्ट राउंड क्रैक करने के बाद आपको वहां पे लिखा आएगा यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब जब नेक्स्ट राउंड आप जब दोगे तो उसमें लास्ट में लिखा आएगा थैंक्स फॉर अटेंडिंग दी टेस्ट, हाँ लास्ट राउंड में ये लिख के आता है। तो मीन्स आपको 15 डेज के बाद आपको रिजल्ट आ गया था, हाँ राइट? यस 15 to 20 डेज के बाद। ओके ठीक है। तो देन आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ होगा, तो इंटरव्यू शेड्यूल 15 डेज के बाद हुआ या और टाइम लगा इसमें इंटरव्यू शेड्यूलिंग में? एक्चुअली मेरे टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे बल्क हायरिंग चल रही थी, तो वो उतना फॉर्मल इंटरव्यू नहीं हुआ था। मैंने एचआर से बात किया पहले दिन, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आपको कल कॉल करूंगी। उसके बाद अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, ब्रीफ मेरे से पूछा, इंट्रोडक्शन, वर्क एक्सपीरियंस कितना क्या है, और नॉर्मल सी चीज़ें पूछी, आप अपने जगह के बारे में थोड़ा बताइए जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे क्या ऐसा घूमने का है या फिर टूरिस्ट प्लेसेस क्या है वो टोटल बताइए। इंग्लिश तो ये मैंने बताया, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि ये जॉब प्रोफाइल है, इतना CTC रहेगा, इतने दिन वर्किंग रहेगा, बाकी चीज़ें उन्होंने मुझे बता दी। तो 5 से 6 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ओके मींस सारी चीजें लाइक टेल मी अबाउट योर हाँ, सेल्फ, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, पहला राइट? तो ये था कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताओ। उसके बाद फिर मेरे से पूछा उन्होंने कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है, अपनी जगह के बारे में बताइए जहाँ आप रहते हैं, और उसके बाद एक दो और चीज़ें पूछी थी, मैं भूल गया हूँ बाकी उसके बाद। हाँ, वो 1 ईयर का हाँ होगा तो भाई
हाँ उसके बाद उन्होंने ही बताने टाइम। लगे कि ये हाँ जॉब प्रोफाइल है, इसका ऐसा काम रहेगा आपका, ऑन कॉल ही बता दिया वैसे था। आई नो बेसिक क्वेश्चंस आप रहते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आप रहते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, टेल मी अबाउट योर फैमिली लाइफ, टेल मी अबाउट योर वीकनेस स्ट्रेंथ, ये सब बेसिक क्वेश्चंस ही वहां पर रहते हैं आई होप यस सो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो जब आपने इंटरव्यू दिया तो आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको इंटरव्यू का रिजल्ट आया, लाइक वन मंथ, रिजल्ट ऑन कॉल उन्होंने टू बता मंथ? दिया था मुझे कि ओके, टेलीफोनिक राउंड हुआ था हाँ, आपका, टेलीफोनिक राउंड में, वीडियो कॉल नहीं राउंड या नहीं टेली? ऑन कॉल, ओके वाओ ग्रेट, और वो कॉल यू वर सो लकी आपका टेलीफोनिक राउंड हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना बल्क हायरिंग चल रही थी, तो बल्क हायरिंग जब होती है उस ओके टाइम पे ओके अप्लाई करने का यही फायदा रहता है। अभी भी चल रही ओके, है बल्क मींस हायरिंग। जब यहाँ पे बल्क हायरिंग, अच्छा राइट नाउ भी बल्क हायरिंग चल रही है, सो गाइस राइट नाउ बल्क हायरिंग चल रही है, अगर आपको अभी इसमें अप्लाई करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। ठीक है, सो मींस जब यहाँ पे बल्क हायरिंग्स होती हैं तो इंटरव्यू में और मेल आने में ज्यादा टाइम ज्यादा नहीं टाइम लगता नहीं है, वो लोग लगता। जल्दी से जल्दी प्रोसेस। यस ओके ठीक है, सो सारी चीजें तो क्लियर हो गई विक्रम, एंड लास्ट में हम बस आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप कुछ फ्रेशर्स को टिप्स देना चाहो कि वो असेसमेंट टेस्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको टिप्स देना चाहो तो आप दे सकते हो फ्रेशर्स हाँ, जैसे को। अगर मैं टिप्स का बात करूँ, असेसमेंट का तो बहुत समय हो गया मुझे, फिर भी जहाँ तक मुझे याद है, मतलब बेसिक आप यूट्यूब पे अभी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है। असेसमेंट लोगों ने क्या किया है कि रिकॉर्ड करके डाल दिया है, तो हाँ, तो हाँ यूट्यूब पे बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल है, आप यूट्यूब चेक करो। और नॉर्मल एक मिरर के सामने बोलो, या फिर अपने दोस्तों के साथ थोड़ा इंग्लिश में बात करो, ताकि इंटरव्यू में आप नर्वस ना हो जाओ। तो नॉर्मल प्रैक्टिस से आप क्लियर कर सकते हो, उतना कोई टफ नहीं है। सो मेन है यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश पे हमें वर्क करना है, हाँ स्पोकन इंग्लिश पे फ्रेशर्स को वर्क करना है, कि मेन अमेज़न इंग्लिश देखता है, हाँ बिकॉज यू आर इन कस्टमर केयर प्रोफाइल, यू हैव टू इंटरेक्ट विद कस्टमर्स, कस्टमर से आपको इंटरेक्ट करना है, तो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इज इट यस सो? हाँ यस, कम्युनिकेशन दैट्स स्किल होना इम्पोर्टेंट चाहिए, क्राइटेरिया है आप ना? जो भी कुछ बोल रहे हो वो मतलब हाँ क्लियर होना चाहिए। बात आपकी, जैसे कई लोगों का होता है ना कि बातें समझ में नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, तो आपके वर्ड्स क्लियर होने तेज बोल चाहिए। रहे हैं, पढ़वा रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा हाँ, क्या बोल रहा है, राइट? वर्ड्स क्लियर होने चाहिए और आप अच्छे से सुन सुन पाओ लोगों को, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए सही। हाँ, जब आप किसी को लिसन कर पाओगे तभी तो आप उसको रिप्लाई कर पाओगे, एग्जैक्टली एंड बहुत सारे लोगों की हैबिट रहती है कि वो बड़बड़ाते रहते हैं और सामने वाले की सुनते नहीं है, तो उनका कम्युनिकेशन वहां से वीक होता है। यस यस तो कम्युनिकेशन पार्ट में मींस लिसनिंग भी आता है, कम्युनिकेट जब आप कर लिसनिंग रहे हो तो बहुत जरूरी लिसनिंग है भी आपका इसमें, इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप अगर कस्टमर आके अपनी हाँ प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई मेरा ये आइटम नहीं आया, इतना सारा कॉल्स कर लिए मैंने और इतनी प्रॉब्लम है, और आपने ध्यान से सुना नहीं, आप थोड़ी देर बाद बोल रहे हो सर क्या प्रॉब्लम है फिर से बताइए, तो कस्टमर बहुत गुस्सा हो जाता है उस टाइम पे। तो आप ध्यान से सुनना आपको आना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें कहता है वो, तो बहुत सारी चीजें कहता हाँ है। ओके, सो थैंक यू सो मच विक्रम, आपने काफी सारी एक्सपीरियंस, काफी सारी चीजें आपने शेयर की, सो आई होप वो सारी चीजें हमारी ऑडियंस को पसंद आएंगी एंड उनके काम आएंगी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। या मोस्ट वेलकम। और असेसमेंट क्लियर करने के लिए एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप हाँ अगर प्लीज प्लीज, ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर सको तो बेस्ट है, आप वाईफाई से कनेक्ट करो, उसके बाद दो। मोबाइल से करने की कोशिश मत करो कि मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करके आप दे रहे हो, तो अगर चलेगा आपके फ्रेंड चलेगा या चलेगा, कहीं पर है हाँ तो उनसे आप कनेक्ट करके वहाँ पर करो। और मेक श्योर करो कि उस बीच आपको कोई कॉल ना आए, जैसे मोबाइल फ्लाइट फ्लाइट मोड में डाल दो और रूम हेडफोन बंद ये कर दो। ब्लूटूथ यूज कर। हाँ, और ओके जो स्पीकिंग वाला उसमें पार्ट रहता है उसमें आप थोड़ा तेज बोलो, ताकि सामने जो रिकॉर्ड हो रहा है उनको समझ में आए कि आप बोल रहे हो। कई लोग फेल होते हैं इस वजह से कि वो बहुत हाँ धीरे बोलते हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है चीज़ें, तो करेक्ट, ये है बस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच विक्रम फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने अपना कीमती समय निकाला एंड सारी चीजें आपने शेयर करी, ऑनेस्टली आपने सारी चीजें शेयर करी एंड ये चीजें काफी ज्यादा लोगों की हेल्प करने वाली है, सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर आपको कोई अभी और डाउट है तो आप वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी मोर अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।